हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्ले स्टोर में अगर आपके भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐप डाउनलोड पेंडिंग बता रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके प्ले स्टोर में कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है और पेंडिंग बता रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि ऐप डाउनलोड पेंडिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और आपको इस तरीके से यहाँ पेंडिंग लिख के आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आपका फ़ोटो लगा होगा या फिर कोई भी आपका जो है वर्ड दिख रहा होगा, तो इस पर इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है सेटिंग्स के ऑप्शन पे आ जाना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक अबाउट का ऑप्शन मिलता है, इस पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्ले स्टोर वर्जन। तो अगर आपका प्ले स्टोर अपडेटेड है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आपको अपडेटेड कर लेना है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, और मैं आपको एक सेकंड मेथड और बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो इसको आपको होम पेज पे इस तरीके से आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्ले स्टोर, तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से रखना है और ऐप इन्फो के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। आप इसको सेटिंग में भी जाके कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से देख लेना है, आपको यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद यहाँ लिखा हुआ क्लियर डेटा, तो आपको क्लियर डेटा के ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लियर डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपका कोई भी जो है इंटरनली डेटा नहीं जाएगा, सिर्फ आपका जो है ऐप यहाँ से जो है वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसको आपको बैक कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है डाउनलोड पेंडिंग प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सके। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो और हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।